जिले के बिटली चौकी के अंतर्गत लूत पंचायत के बमनी गांव में नक्सलियों ने मंगलवार की रात 9 बजे बमनी निवासी भागचंद आर्मो उम्र 50 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के विषय में मिल रही जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात 9 बजे 9 से 10 बंदूकधारी नक्सली भागचंद आर्मो के घर पहुंचे, उसे उठाकर बमनी बिटली मार्ग पर ले गए और सर पर एक गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही भागचंद आर्मो की मौत हो गई। नक्सलियों के द्वारा घटना के बाद घटनास्थल पर फेंके गए पर्चे में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भागचंद आर्मो पुलिस का मुखबिर था, इसी कारण उसकी हत्या की गई है। हालांकि इस विषय पर अब तक पुलिस के द्वारा खबर की पुष्टि नहीं की गई है और न ही कोई जानकारी प्रेस से साझा की गई है, लेकिन ग्रामीणों से मिल रही जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में बंदूकधारी नक्सली आए और उन्होंने भागचंद की हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के विषय में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि भागचंद आर्मो पुलिस का मुखबिर नहीं था, वह एक सामान्य नागरिक था। नक्सलियों के द्वारा क्षेत्र में दहशत फैलाने की दृष्टि से इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटनास्थल पर मिले पर्चे के अनुसार भागचंद की हत्या मलाजखंड दलम के नक्सलियों के द्वारा की गई है, जिसमें से कुछ नक्सलियों की पहचान भी स्थानीय जनों के द्वारा कर ली गई है। इसमें दो तीन कारण जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहे हैं, हालांकि वहां से सामने से एक पर्चा भी मिला है जो नक्सलियों ने इसको पुलिस मुखबिर का रूप देने की कोशिश की है, परंतु वो आम एक ग्रामीण थे और पुलिस मुखबिर से उनका कोई अभी संबंध नहीं था। साथ ही उसमें ये बात भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि जनता में भय फैलाने के लिए या बाकी लोगों को अपने डरा धमका के अपने ही एजेंडे में शामिल करने के लिए, साथ ही साथ जो कई बार अवैधानिक वसूली करने का एक एजेंडा रहता है, खासकर जो तेंदुपत्ता या अन्य उस तरह के जो वनोपज होती हैं या सिविल कंस्ट्रक्शन होते हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए भी इस घटना को कार्य करना संभावित प्रतीत हो रहा है, और जो कि एक तरह से सीधा सीधा हमारे ग्रामीणों पर और हमारे आदिवासी भाइयों पर एक तरह से अत्याचार की ही श्रेणी में आएगा, जो कि ये कायराना हरकत नक्सलियों द्वारा की गई है। सर, मृतक कुछ कार्य क्या काम करता था, कुछ उसके बारे में जानकारी? वैसे तो ग्राम में जो अपना खेती कारी करते थे, परंतु ये पता चला है कि लास्ट ईयर उन्होंने कुछ तेंदुपत्ता के फड़मुंशी की तरह भी उन्होंने कार्य किया है और उसमें भी वो योगदान देते हैं। सर, गांव में भय और असुरक्षा का माहौल देखने मिलता है, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है? पुलिस आसपास के जंगल में ही सर्चिंग कर रही है। पुलिस का अपना एक SOP होता है, जैसे कि कभी इस तरह की कोई घटना आती है, कोई सूचना आती है, तो वहां पर कभी भी आम रास्ते का प्रयोग करते हुए पुलिस नहीं जाती है। उसमें पेट्रोलिंग करते हुए, जो पैदल मार्च करते हुए, उसमें पहुंचने में 3 से 4 घंटे जो कि नियरेस्ट चौकी रहती है, तो तत्काल सुबह ही सारी पार्टी रवाना है और आसपास के क्षेत्र में उनकी सर्चिंग कार्रवाई भी चल रही है। मृतक के परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, सर किस तरह की सुरक्षा दी जाएगी? सर जी हाँ, उनकी जो भी सुरक्षा संबंधी पॉइंट्स हैं उन पर तत्काल हम लोग एक्शन लेंगे और उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पर आसपास जो एरिया डोमिनेशन लगातार चलेगा, जो संबंधित चौकी है उनको भी विशेषतः पेट्रोलिंग करने के लिए उस क्षेत्र में, उस गांव में और आसपास के भी क्षेत्रों में निर्देशित किया गया है।